तो दोस्तों स्वीट होम का सीजन 2 मैंने देख लिया और मुझे ये कैसा लगा वो आज आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। दोस्तों स्वीट होम के ऊपर बात करने से पहले ये जान लेना चाहिए कि स्वीट होम की स्टोरी प्लॉट क्या है, ताकि अगर आप ये सीरीज देखोगे तो आपको आसानी हो जाएगी देखने में। और हाँ दोस्तों ये वीडियो आप पूरी जरूर देख सकते हो, क्योंकि दोस्तों अगर इस वीडियो के अंदर स्पॉइलर होगी तो आपको सीरीज देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो दोस्तों बात करते हैं स्वीट होम की स्टोरी प्लॉट के बारे में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि हमारे चैनल को हेल्प हो जाएगी। तो स्वीट होम की स्टोरी प्लॉट ये है कि जैसे आप कोई ज़ॉम्बी मूवी देखते हो तो आपको पता होगा कि ज़ॉम्बी इंसान के काटने के बाद उस वायरस से इंसान भी ज़ॉम्बी बन जाता है, तो वही प्लॉट स्वीट होम में भी है, लेकिन थोड़ा अलग है। इस सीरीज में ऐसा होता है कि इंसान के अंदर वायरस फैल जाने से वो मॉन्स्टर बन जाता है और उसके संपर्क में आने वाला भी मॉन्स्टर बन जाता है। लेकिन इस सीरीज में एक अच्छी बात यह है कि हर मॉन्स्टर एक जैसा नहीं होता जैसे ज़ॉम्बी होते हैं। इस सीरीज में मॉन्स्टर अलग अलग होते हैं और यही चीज इस सीरीज को काफी अच्छी बनाती है। लेकिन दोस्तों बात करें स्वीट होम की सीजन 2 के बारे में, तो इस सीरीज के अंदर टोटल 8 एपिसोड है, जो कि शुरू के 5 एपिसोड तो 1-1 घंटे के हैं, लेकिन आखिरी के 3 एपिसोड 1 घंटे से भी ऊपर के हैं। तो दोस्तों अगर आप ये सीरीज देख रहे हो तो आपको इस सीरीज को खत्म करने में 9 से 9.5 घंटे लग जाएंगे, और इसी वजह से सीरीज थोड़ी बोरिंग हो जाती है, लेकिन खराब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यही चीजें स्टोरी को बिल्ड करती है। और मैं कह सकता हूँ कि स्वीट होम का सीजन 1 की तरह इसका सीजन 2 भी काफी अच्छा है। बाकी आपके ऊपर ये सीरीज आप देखो या ना देखो, पर ये सीरीज टाइम पास जरूर है। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल के ऊपर नया है तो चैनल करें सब्सक्राइब, ताकि आपको छोटी और बड़ी जानकारी इस चैनल के ऊपर मिलती रहे। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं रोकते हैं।